इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं और साथ पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिवीजन भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा दो थ्योरम्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम होगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा थ्योरम होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के जरिए हम ये बताते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। सो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक्चुअली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा है, ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। और ये बनता कैसे है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्टेड constructed from variables and constants. कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से बनता है। और अब ये बनता कैसे है, इसमें कौन से जो है ऑपरेशन यूज होते हैं। Using only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent. This is the complete definition of polynomial. कि polynomial जो है वो हमारे पास finite length का कोई expression है जो कि variables और constants से मिलके बनता है, और उसमें operations जो हैं variables and constants के दरमियान ये वाले होते हैं, addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent. मिसाल के तौर पे कोई भी हम एक expression हो finite length का हो जिसमें कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज हो रहे हों, और इन ये वाले ऑपरेशंस जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान हो रहे हों। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ पॉलिनोमियल की, दैट इज इन इनटू एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन an x plus a 0. This is a polynomial. इस polynomial में हमारे पास n जो है वो एक non-negative integer है. n is non-negative integer. And ये जो coefficients हैं an, an minus 1, a1n and a0, these all are real numbers. The coefficients are
real numbers. Now कि polynomial function जो है वो कैसे बनता है. Polynomial function जो है वो हमारे पास इसी किसी भी polynomial को evaluate करके बनता है. This is polynomial. अगर मैं इसको इस form में लिख दूं कि f of x is a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a 1 n x plus a 0, then this is called the polynomial function. Next thing is the degree of the polynomial function. किसी भी polynomial function में variable की जो maximum power होगी उसको हम degree कहेंगे. Maximum power of variable. मिसाल के तौर पे हम एक जो है वो polynomial लिख लेते हैं, polynomial function लिख लेते हैं, that is f of x is x raised to power 2 minus 2x plus 3. अब इसमें variable x है, x की maximum power 2 है, so this is second degree polynomial. Similarly, अगर मैं कोई और एक लिख लेता हूं polynomial function, that is f of x is 3x raised to power 4 plus 5x raised to power 3 plus 2x plus 5. तो इसमें हमारे पास variable की जो maximum power है वो 4 है, so it is fourth degree और इसकी degree जो है वो हमारे पास 4 है. अब हम देखते हैं division of the polynomial. कोई भी हमारे पास polynomial होगा उसको हम किसी भी divisor से divide करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक quotient होगा और एक remainder होगा. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x raised to power 3 minus 10x raised to power 2 plus 13x minus 6 और इसको हमने डिवाइड करना है x minus 2 से. सिंपल डिवीजन के जरिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एक क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा और देन हम देखेंगे कि थ्योरम्स के जरिए ये काम कितनी आसानी से हो सकता है. इसको हम डिवाइड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3x क्यूब बनाने के लिए 3x स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, दिस विल माइनस प्लस कैंसल्ड, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x. इसको माइनस 4x बनाने के लिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, दिस विल प्लस माइनस कैंसल्ड, ये हमारे पास आ जाएगा 5x minus 6. 5x बनाने के लिए plus 5 से multiply करेंगे इसको, ये बन जाएगा 5x minus 10. This will minus, this will plus, cancelled, 4. Now, जब हमारे पास कोई भी x term नहीं बचती, तो तब जो चीज हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. दिस 4 इज रिमाइंडर.
कोई भी x वाली टर्म यहां पे नहीं है, एंड दिस थिंग द आंसर, जिसके जब हमने डिवाइड किया है तो जिन चीजों से हम मल्टीप्लाई करते गए हैं तो उसको हम कहते हैं क्वोशेंट। और जिस चीज से हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं डिवाइजर। और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। नाउ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि थ्री एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस फोर। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो डिवाइडेंड होगा वो इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने एक लॉन्ग डिवीजन के जरिए से इसको डिवाइड किया है और वहां से अगर हम रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये काफी सारे जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ी हैं। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी करेंगे। अगर रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो हमें ये इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी बल्कि सिंपल स्टेप्स के जरिए हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। देन हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास ये है कि इफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन is divided by x minus a till no x term exists in the remainder then f of a is remainder। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो f of x जिसकी डिग्री या तो वन हो या उससे ग्रेटर हो और उसको हम डिवाइड करें किसी भी डिवाइजर से x माइनस से लेट के हमारे पास डिवाइजर है तो डिवाइड करते जाएंगे हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी x वाली टर्म जो है वो बाकी ना बचे तो हमारे पास f ऑफ a जो है वो रिमाइंडर होगा। f ऑफ a रिमाइंडर होगा इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। अभी हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ इज कि सपोज इसी को हम लेके चलते हैं कि f ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a के साथ। जब हम इसको x माइनस a के साथ डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई
क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दैट इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली उसी तरीके से जब ये x माइनस a से डिवाइड हुआ तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ए इंटू इट्स क्वेश्चन। सपोज हम उसको कह लेते हैं कि वो हमारे पास है q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है r। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी x टर्म ना हो तो तब हमारे पास f ऑफ a जो है वो रिमाइंडर होगा। सिंपली अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे a रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r, और f ऑफ a इज इक्वल टू r। दैट इज प्रूव कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो किसी भी वेरिएबल में और हम उसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे इस x माइनस a के साथ और f ऑफ a पे उसको एलोएट कर लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial is x raised to power 3 plus 4x square minus 2x plus 5 is divided by x minus 1। अब अगर हम इसको डिवीजन के जरिए रिमाइंडर फाइंड करें तो हमें काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल है और उसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ और उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर हम इसको x माइनस रिमाइंडर थ्योरम के जरिए x माइनस a से कंपेयर करें तो यहां पे हमारे पास a इज 1। और जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा कि रिमाइंडर हमारे पास होगा, रिमाइंडर इज f ऑफ a, सो इसका रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 1। इस सारे पॉलिनोमियल में जहां पे हमारे पास x है वहां पे 1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। सो मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। दिस विल बिकम 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 जो कि हमारे पास आ जाएगा 8। सो 8 इज द रिमाइंडर। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन के जरिए करते तो तब भी हमारे पास यही रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आता। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन की और रिमाइंडर फाइंड कर लिया। इस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखा और रिमाइंडर थ्योरम को देखा। हमारा टास्क ये था कि हम इसी लेक्चर में फैक्टर थ्योरम को भी स्टडी करते, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम फैक्टर थ्योरम को अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।